आज बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर अपना 19वां जन्मदिन मना रहे हैं। फरहान अख्तर का जन्म 9 जनवरी 1974 को मुंबई के होया। फरहान अख्तर बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अदाकारों के विचों एक है। अदाकारी के नाल नाल ये अदाकार एक फिल्म निर्माता भी है। अभिनेता मशहूर बॉलीवुड लेखक और गीतकार जावेद अख्तर और हनी ईरानी का पुत्र है। So I will wait for you. It's all I can really do. But don't say it's the end. You say you don't know why. Some days just wanna cry. तुहानू दस दिए कि सिर्फ 17 साल की उम्र के फरहान अख्तर ने सहायक निर्देशक के रूप में काम करना शुरू कर दिता सी। अभिनेता ने साल 1991 एक सहायक निर्देशक के रूप में बॉलीवुड के अपने करियर की शुरुआत की। दस दिए कि फरहान अख्तर कॉलेज छड़ चुके सन। इस तों बाद वो लगभग 2 साल घर बैठ के हर समय फिल्मा देखते सी। इस बारे दे विच फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू दसिया कि उन्हां दी मां इस गल तो काफ़ी परेशान सी। उन्होंने फरहान को घरों बाहर कढ़ने की भी धमकी दी। इस डर कारण फरहान ने अपने पिता की तरह कहानियां लिखनिया शुरू कर दित्तियां ते फिर उन्होंने फिल्म दिल चाहता है की कहानी लिखी। अभिनेता ने 2001 दिल चाहता है दे नाल अपने निर्देशन की शुरुआत की। यह फिल्म सिनेमाघरों के सुपरहिट रही। इतों तक कि फिल्म को नैशनल अवार्ड भी मिले। इस फिल्म तो बाद अभिनेता ने साल 2004 लक्ष्य का निर्देशन किया। दोवें फिल्मों की काफ़ी तारीफ हुई। जिमें कि हर कोई जानता है कि फरहान अख्तर एक ऑलराउंडर ने। वह अदाकार होने नाल नाल एक चंगे गायक भी ने। अभिनेता ने अपनी अदाकारी की शुरुआत साल 2008 फिल्म रॉक ऑन के नाल की सी। अदाकार ने इस फिल्म विच गीत भी गाए सी। इस फिल्म लई फरहान अख्तर नूं कई अवार्ड्स भी मिले। लोगों ने उन्होंने अदाकारी और शानदार गीतों की खूब तारीफ की। इस तों बाद उन्होंने लक बाई चांस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भाग मिलखा भाग, स्काईज पिंक और कार्तिक कॉलिंग कार्तिक वर्गियां कई फिल्मां कीतियां ने। You say we'll meet again. You say you don't know when. So I will wait for you. It's all I can really do. But don't say it's the end. You say you don't know why. Some days just wanna cry. So I